सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख पाएं। सो गाइस वेलकम टू हैकटेक। सो गाइस आज के लिए स्टूडियो में देखने वाले हैं किसी भी स्पीकर की इम्पीडेंस कैसे चेक की जाती है, लोड कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना स्पीकर ले लेंगे जिसकी हम लोग की इम्पीडेंस चेक करनी है। इस पे 4 ओम्स तो नहीं लिख रखा है, लेकिन ये 4-5 ओम्स का ही है, मैं जानता हूँ। उसके लेंगे हम लोग मल्टीमीटर को सेट करेंगे 200 ओम्स पे। 200 ओम्स पे सेट करने के बाद इसको चेक करते हैं। तो जैसे हम चेक करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं चेक करूँगा इसको तो रीडिंग देखिएगा आप, रीडिंग आ रही है 4.6 की, यानी ऑलमोस्ट ये 5 ओम्स का स्पीकर है। तो इसको मैं 2000 ओम्स पर सेट करता हूँ। अब चेक करते हैं तो ये 5 ओम्स का है। तो ये स्पीकर 5 ओम्स का है। तो चलिए आगे हम लोग एक 8 इंच के बूफर को चेक करते हैं। तो ये मेरा 8 इंच का बूफर देख सकते हैं आप। तो इसको चेक करेंगे तो इसके लिए भी हम 200 ओम्स पे सेट करेंगे। उसके बाद इसको आगे चेक करते हैं तो इसकी रीडिंग आ रही है 4.21 ऐसी कुछ आ रही है। तो इसको अब 2000 ओम्स पे चेक करते हैं तो इसकी रीडिंग आ रही है, देखता हूँ मैं, 5 ओम्स। ये भी ऑलमोस्ट 5 ओम्स का है, मतलब 4 ओम्स का ही है, वो था 5 ओम्स का, ये 4 ओम्स का ही है। तो ऐसे ही आप अपने किसी भी स्पीकर की इम्पीडेंस चेक कर सकते हैं। और गाइस इम्पीडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप अपने किसी 8 ओम के स्पीकर को 4 ओम पे चला रहे हैं या 4 ओम के स्पीकर को 8 ओम पे चला रहे हैं तो वो जलेगा ही। तो इस बात का ध्यान रखें, इम्पीडेंस के हिसाब से चलाएँ। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।